जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2024 का जिन बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई किया है तो उन सभी का फिजिकल डेट मैंने बताया था 23 सितंबर से शुरू हो रहा है फिजिकल, तो उसी के संबंध में यहाँ पे आप सभी के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जी दोस्तों, जारी हो चुका है आप सभी का एडमिट कार्ड। अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2024 का एग्जाम क्वालिफाई किए थे और फिजिकल का इंतजार कर रहे थे तो आप सभी के लिए इस बीच यहाँ पे बड़ी खबर निकल के आ रही है। देखिए, मैं आप सभी को सारी जानकारी देने वाला हूँ तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। लिखा गया है उम्मीदवारों को चार हालिया तस्वीरों, ठीक है। यहाँ बताया गया है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर जाना है सेंटर पर, ठीक है। बताया गया है उम्मीदवार को चार हालिया तस्वीरें, मतलब जल्दी की आपकी फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ का आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चार फोटो होना चाहिए और कम से कम एक फ़ोटो युक्त पहचान प्रमाण पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय या फिर कॉलेज वगैरह पहचान पत्र, केंद्र परीक्षा केंद्र में मूल रूप से आयकन पैन कार्ड ले जाना चाहिए, सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, मैंने आपको बताया था कि सीआरपीएफ की तरफ से आप सभी के एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी किए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सीआरपीएफ का लोगो लगा हुआ है और यहाँ पे देखिए लिखा गया है पीईटी, पीएसटी और डीवी और डीएमई, मतलब अगर बात की जाए तो आप सभी का फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का एक एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी किया गया। मैंने आपको बताया था कि इन तीनों चीज़ का एक एडमिट कार्ड आएगा, तो ये जो एडमिट कार्ड जारी किया गया है आज, ये एडमिट कार्ड इन तीनों चीज़ों के लिए जारी किया गया है। तीनों प्रोसेस आपका एक एडमिट कार्ड से हो जाएगा। और आपको बता दें, फिजिकल और साथ में आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, ये सब कुछ आप सभी का एक साथ यहाँ पर होने वाला है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ एसएसएफ में कांस्टेबल जीडी, असम राइफल, इन राइफलमैन जीडी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही परीक्षा 2024 संबंध में बताया गया है। और यहाँ पे देखिए लिखा गया है, स्टेटस डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर पीईटी, पीएसटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ एसएफ एसएसएफ राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एंड सिपाही इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2024 टू बी हेल्ड फ्रॉम यहाँ पे 1/10/2024 टू 9/11/2024। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। आपको बता दें कि आप सभी का यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आप सभी का जो यहाँ पे बताया गया है, जो आप सभी का यहाँ पे क्या होने वाला, फिजिकल होने वाला है, वो यहाँ बताया गया है कि 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 9 नवंबर 2024 तक आप सभी के फिजिकल यहाँ पे चलने वाले हैं। ये चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं, आप सभी इसको यहाँ पे एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें लिखी गई है आप सभी का, ठीक है। कंट्रोल ब्यूरो 2024 टू बी हेल्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। आपको बता दें अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि मैं आप सबको बता रहा था कि 23 से आप सभी के फिजिकल शुरू हो रहे हैं, तो ये डेट जो हो सकता है ना, फ्रॉम ये डेट जो है वो आप सभी के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की डेट हो सकती है कि 1/10/2024 से लेकर 9/11/2024 तक आप सभी के यहाँ पे आपको अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर लेना है, इसकी डेट ये हो सकती है, ठीक है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप सभी को अपना रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर लिखना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिलअप करना है और अपना ये जो 6 और 7 लिखा है इसको आपको जोड़ लेना है, जो कि 13 होता है, आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर आपको सर्च वाला आइकन पर क्लिक करके आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, पीटी, पीएसटी, डीवी और मेडिकल का। अगर आपके पास दूसरा मेथड है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, वो पहला मेथड था, ये दूसरा मेथड क्या है कि आप सभी को यहाँ पे अपना रोल नंबर देना है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है और इसको 6 और 7 यहाँ पे काउंट करके आपको 13 लिख देना है। फिर आपको सर्च वाला आइकन पे क्लिक कर देना है, इससे भी आप सभी अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हो। और तीसरा जो यहाँ पे तीसरा जो तरीका है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, वो है कि आपको अपना 10th की मार्कशीट लेना है, उसके हिसाब से उसमें जो भी आपका नाम होगा उस नाम को आपको यहाँ पर लिखना है, फादर नेम आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना है, 6 और 7 जोड़ के आपको यहाँ पे लिख देना। फिर आपको सर्च वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। इन तीन तरीकों से आप सभी अपना पीटी, पीएसटी, डीवी और मेडिकल का एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि नई भर्ती आ चुकी है, क्या हम उसके लिए भी फॉर्म भरते हैं? देखिए आप सभी उसके लिए भी फॉर्म भरो और अपनी तैयारी को जोरदार करते रहो, ठीक है। क्योंकि इस भर्ती में 3,46,000 बच्चे क्वालिफाई किए गए हैं और सिलेक्शन जो होने वाला है वो 46,000 कुछ बच्चों का होने वाला है, तो इसलिए लगभग बच्चे यहाँ पे बाहर होने वाले हैं। तो आप सभी अगर तैयारी में लग जाएंगे तो काफ़ी आपको यहाँ पे फायदा इसका देखने को मिल जाएगा। आप सभी को बता दूं, एसएससी जीडी कांस्टेबल तैयारी करने के लिए चक्षु पब्लिकेशन का मार्केट में बेस्ट बुक आ चुका है। 2025 की भर्ती जो है एसएससी जीडी के, उसके लिए बुक यहां पे बनाई गई है। रीजनिंग की बुक है जिसमें आप सभी को 2024, 23, 21 और 19 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। 750 आप सभी को बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा। यह पुस्तक जो है आप सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक चैप्टर को इस बुक में कवर किया गया है, जिससे आप सभी पढ़कर अपनी तैयारी को मजबूत तरीके से बना सकते हैं। और आप सभी
जानकारी के लिए बता दूं कि चक्षु पब्लिकेशन का मार्केट में एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग, मैथ और सामान्य ज्ञान और हिंदी, इन चारों बुक को अगर आप लेकर पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी मजबूत होगी और आप जनवरी फरवरी में होने वाले एग्जाम में आप सभी झंडे गाड़ सकते हो। अगर आप ये चारों बुक परचेस करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, जाकर आप सभी परचेस करिए और अपनी तैयारी को और शानदार तरीके से मजबूत बनाइए। तो जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी मैंने आपको दे दिया है। आपको नई भर्ती की भी तैयारी यहाँ पे करते रहना है। फिजिकल क्वालिफाई करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप सभी का 5 किलोमीटर यहाँ पे रनिंग करवाई जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ पे 24 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर रनिंग आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको बता दें इस बार कट ऑफ जो एसएससी जीडी का बहुत ही हाई फिजिकल का ही देखने को मिल गया था और उसके बाद फाइनल भी आप सबका जो कट ऑफ है वो अगर देखा जाए तो लमसम आप सभी का फाइनल कट ऑफ जो है वो यहाँ पे इस बार ठीक ठाक रहने वाला है। यानी अगर बात करें 145+ ही आपकी कट ऑफ यहाँ पे रहने वाली है यूपी वालों की। तो आप सभी यहाँ पे तैयार रहिए, ठीक है। जिनकी कट ऑफ यहाँ पे हर बार हाई आती है तो इस बार उनको भी हाई यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि 160 में से 160 नंबर लेकर इस बार भी आए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए उनको नॉर्मलाइजेशन का भी बेनिफिट मिला, इसलिए वो यहाँ पे 168 नंबर भी ला चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बार आपकी आबार आपके सभी का नॉर्मलाइजेशन को जिसमें जिसको नॉर्मलाइजेशन का अच्छा खासा नंबर मिल गया है उन सभी का सिलेक्शन जो है इस बार फिक्स है, ठीक है। लेकिन आगामी भर्ती में देखना आप सभी का पेपर चाहे हार्ड होगा, कुछ भी आपको चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेगा अगली भर्ती में। नहीं तो अगर ऐसा ही होने लगा तो 160 नंबर का पेपर रहेगा, फिर वो होगा कि 160 लाना पड़ेगा तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो ये सब ना करते हुए अगली बार हो सकता है पेपर में आप सभी का कुछ चेंजेस किया जाए। तो आप सभी यहाँ पे तैयारी में लग जाइए। फिजिकल में आपको बता दें यहाँ पे क्या क्या होने वाला, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। फिजिकल जहाँ तक मुझे पता है और जो मुझे जानकारी है मैं आपको बता रहा हूँ, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। आपकी रनिंग करवाई जाएगी 5 किलोमीटर, ठीक है। आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा यहाँ पर 24 मिनट के अंदर आपको 5 किलोमीटर रनिंग यहाँ पे क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप सभी का यहाँ पे मेडिकल होगा, ठीक है। मेडिकल आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब मेडिकल में आप सभी की पूरी बॉडी की चेकअप होगी, जाँच होगी, यूरिन टेस्ट होगा, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे चेकिंग होने वाली है, ठीक है। उसके बाद आपका फिजिकल में हम बात करें यहाँ पे 80 सेंटीमीटर आपका बिना फुलाए यहाँ पे चेस्ट होना चाहिए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे फूलना बिल्कुल अनिवार्य है। ये चीज़ें यहाँ पे मांगी गई है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आप सभी के डीवी में क्या क्या चेक होगा। देखिए डीवी के लिए आप सभी को बता दें आपको 10th की मार्कशीट लेकर जाना है, ठीक है। अगर आपने फॉर्म भरते समय एसएससी जीडी का आपने अगर बता दिया है कि हमने 12th भी किया है या फिर ग्रेजुएशन किया है तो आपको वो भी मार्कशीट आपको ले जाना बिल्कुल अनिवार्य है, ठीक है। प्लस में अगर बात की जाए तो आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ जिसे बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड, कोई भी है, खास करके आप सभी आधार कार्ड लेकर जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर जाना अनिवार्य है और कोशिश करें कि सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट उनके पास रहे, ठीक है। क्योंकि सेंट्रल की भर्ती है तो सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे लगभग होना चाहिए। तो अगर आपके पास सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपके लिए गोल्डन चांस यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर आप जर्नल से हैं और ईडब्ल्यूएस से फॉर्म को अप्लाई किया था तो आपको यहाँ पे अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी आपको साथ में लेकर जाना है और साथ में आपके पास 5 से 6 पासपोर्ट साइज का फोटो भी आपके पास होना चाहिए और एक पेन भी आपको लेकर जाना है, कलम, जिससे आप सभी सिग्नेचर वगैरह कहीं आपको करना पड़े तो आप कर लो, किसी से मांगने की आपको जरूरत ना पड़े, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लेकर जानी है। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है लेकर जाइए, साथ में आप सभी को यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र, ये तो अति आवश्यक है, आपको इसे जरूर लेकर जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाना है और इन सभी डॉक्यूमेंट के आपके पास 2-2 फोटोकॉपी भी आपके पास होना चाहिए, जिससे कि फोटोकॉपी जमा हो जाता है, ओरिजिनल आपको मिल जाता है वापस, आप लेकर घर चला जाते हैं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट आप सभी का यहाँ पे फाइनल कट ऑफ आएगी, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट आप सभी का यहाँ पे उसके बाद फाइनल कट ऑफ आएगी, ठीक है। फाइनल कट ऑफ क्योंकि आप सभी जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे और जाओगे फिजिकल के लिए तो आप सभी का उसी वक्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल भी हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट आप सभी का फाइनल कट ऑफ आएगा। फाइनल अगर बात की जाए दिसंबर तक आपकी भर्ती को कंप्लीट करवा लिया जाएगा और नई भर्ती, ये भर्ती कंप्लीट करवाने के बाद ही नई भर्ती का एग्जाम शुरू होगा, ठीक है। लग जाइए तैयारी में, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन किसी का भी इसमें हो सकता है। तो चलिए फिर आज की वीडियो यहीं तक थी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर आप सभी डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद, भारत, वंदे मातरम।